नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई स्मार्ट भोजपुरी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पवन सिंह और पवन सिंह के चमचे खेसारी लाल यादव से क्यों जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाला कारण सामने आने वाला है दोस्तों, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि पवन सिंह आखिरकार खेसारी लाल यादव से क्यों जलते हैं। जी हाँ, पवन सिंह तो जलते ही हैं, साथ ही उनके चमचे तो और जलते हैं। जी हाँ, और कारण एक ही है दोस्तों, कारण एक ही है, पवन सिंह इसलिए खेसारी लाल यादव से जलते हैं क्योंकि पवन सिंह का सारा रिकॉर्ड खेसारी लाल यादव तोड़ते जा रहे हैं और आगे तोड़ेंगे भी। जी हाँ, और पवन सिंह को लगता है कि खेसारी लाल यादव ही ऐसा है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हमको टक्कर दे सकता है और हमको पीछे छोड़ सकता है। जी हाँ, यही कारण है जो पवन सिंह और पवन सिंह के चमचे खेसारी लाल यादव से जलते हैं और उनको हमेशा बदनाम करने का और पीछा दिखाने का कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ, तो यह है पवन सिंह और पवन सिंह के चमचों का खेसारी लाल यादव से जलने का असली कारण। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव एक ऐसे शख्स है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बहुत कम समय के अंदर पूरे इंडिया में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, यही कारण है जिसके चलते पवन सिंह और पवन सिंह के चमचे को हमेशा फटता रहता है और पवन सिंह के चमचे हमेशा खेसारी लाल यादव के खिलाफ वीडियो बनाते रहते हैं और खेसारी लाल यादव को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। और पवन सिंह भी दोस्तों सामने से खेसारी लाल यादव को जितना भी प्यार दिखा दे, लेकिन अंदर से पवन सिंह खेसारी लाल यादव से बहुत जलते हैं। जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस हम आप लोगों को इतना ही बताने आए थे कि यही एक कारण है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो पवन सिंह खेसारी लाल यादव से जलते हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना ऐसा झंडा गाड़ चुके हैं कि पवन सिंह भी जान चुके हैं कि यही एक आदमी है जो हमको हरा सकता है और हमसे आगे जा सकता है, और जा भी चुके हैं खेसारी लाल यादव पवन सिंह से आगे। इसीलिए पवन सिंह हमेशा खेसारी लाल यादव से जलते हैं और उनका विरोध करवाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।